राम राम, जय श्री राम। बाबा साहब के चरण पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। धूप भी है, छांव भी है, बादल भी हैं और गड़गड़ाहट भी हो रही है। 9:45 और हम पहुंच गए हैं कोर्ट के पास। इस जगह को कोर्ट कहते हैं और विशेष प्रयोजन से आए हुए हैं यहाँ पे। उत्तराखंड में एक सब्जी होती है जो कि बरसात के बाद ये मई जून में ही होती है, जिसे कहा जाता है छीरन। और बाबा साहब का ये पहला मौका है तो एक्सपर्टीज के साथ हूँ। रिश्ते में बुबू जी लगते हैं, लेकिन अभी इंतजार करेंगे चाचा जी का। क्या उसके गुण हैं, क्या उसके फ़ायदे हैं, कैसे बनाना है, वो सारी जानकारी आप तक पहुँचाई जाएगी। राधे राधे। देख रहे हैं ये पिरूल गिरा हुआ इसके ऊपर में, यानी कि स्लिपरी है ये। आग लगाई जाती है तो पूरे जंगल में आग लगती है, क्योंकि इसके कारण यहाँ पे कोई भी वनस्पति नहीं हो सकती है, तो इसलिए जो है इसको बार बार जला दिया जाता है। रास्ता देख रहे हैं आप, कितनी सावधानी चाहिए चलते समय। ये स्टिक से आप देख रहे हैं लंबी सी, यही है झीरन। यदि इसे अभी नहीं तोड़ा गया, क्योंकि अभी कोमल है, इसे अगर तोड़ा नहीं गया तो ये बन जाएगा इसका पेड़। तो अभी सामने बूबू तोड़ो। रास्ते देख देख के अंदर में सीढ़न सी पैदा हो रही है, नीचे है ढलान। आ गए हैं इस कोने में, नीचे बह रही है रामगंगा नदी। कोई भी चीज़ आसानी से उपलब्ध नहीं होती है, सुनसान है, हम दो ही हैं यहाँ पे, और शाम को यहाँ पे आना घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि जंगली जानवर यहाँ पे विचरते हैं। इस प्रकार से ढूंढना होता है। बताया है कि इसका पेड़ जब सूख जाता है तो उसके नीचे ज़रूर मिलते हैं, यानी कि नया पेड़ तैयार होता है। ये दो प्रकार के होते हैं, एक नकली वाला भी होता है जो कि बहुत लंबा चला जाता है। तो तोड़ने से पहले ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। कोई जानकारी के अभाव में अगर जानकारी नहीं है तो फिर जो है इसे तोड़ना उचित नहीं है। अब वो आ रहे हैं वहाँ से, नहीं मिला है उन्हें। देख रहे हैं ये है झीरन, 1 2 3 4 ऐसे लंबे लंबे हैं। अगर ये तोड़ा नहीं गया तो ये पेड़ बन जाएंगे। जहाँ से वो मुलायम है, कच्चा है, वहाँ से तोड़ा जा रहा है। एक्सपर्टीज ये लगते हैं उसके जैसे ही, किंतु ये जरों से ज़्यादा लंबे हैं, तो ये हैं विषालू, विषाक्त हैं ये, इसलिए बिगर जानकारी के नहीं तोड़ना है। और ढूंढते ढूंढते आ गए हैं हम टॉप पर, पहुंच गए हैं टॉप पर। ठंडी ठंडी हवा और शरीर में पसीने की बूंदें, आनंद ही आनंद है। इस जगह में पहले आग लगी थी, अभी ये पेड़ सूखे हुए हैं और यहाँ पे हो रहा है ये छीरन। यानी कि वो जगह जहाँ पे आग लगी हो, पेड़ सूखा हो, तो उसकी जड़ से जो है नया पौधा बनने के लिए ये निकलता है। हवा की सरसराहट, मौसम बदल रहा है और हम ले रहे हैं इसका आनंद। जब झीरन हार्ड हो जाता है तो आप देख रहे हैं इसमें कांटे हैं, तो ऐसे उसको नहीं तोड़ना है। कभी यहाँ पर खेती हुआ करती थी,
खेती बंजर है लेकिन हरियाली अभी भी है। नेपाली भाई लोग हैं, काम से आए हुए, हमारे गांव में रहते हैं और जंगल में काम कर रहे हैं। देख रहे हैं सामने लीसा, इसके लिए आए हैं। इसकी भी बताएंगे बात आपको, लेकिन समय चाहिए उसके लिए भी। समतल सा इलाका बहुत खूबसूरत लग रहा है। सुनसान है दोस्तों, हरियाली है और कार्य प्रगति पर है। करने वाले ने यहाँ भी खेत आबाद किए हुए हैं, जाली भी लगाई है प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी भी हम लगातार ढूंढ रहे हैं, घूम रहे हैं। देखिए यहाँ से किया हुआ है, मिर्च लगाई हुई है, तो बिगर मेहनत के कुछ नहीं होता है। डेढ़ घंटे में इतना ही ढूंढ पाए हैं। 11:14 और निकल रहे हैं घर की ओर। रास्ते में निगाहें मारते हुए इस सन्नाटे में, सुनसान में अभी भटक रहे हैं। क्या किलमोड़ी इसे भी खाते हैं, शुगर फ्री करता है बॉडी को। इसकी जड़ जो है वो है हमारे गांव का एक सीमा पे बना हुआ मकान, और हम कितना दूर हैं उससे देख लीजिए दोस्तों। हम दो हैं और सन्नाटा है, वो ऊपर गांव है हमारा। और अभी हम चढ़ रहे हैं ऊपर की ओर, जैसे जाते हैं गड़िया में दम फूल गया है। ऊपर चढ़ते चढ़ते अब आई है जान में जान, पहुंच गए हैं गांव के अंदर। जहां से हम आए हैं वह है तेंदुए की रहने की जगह। 11:37 और लेके आ गए हैं आपके लिए, यह है झीरन की सब्जी। अच्छा, वो उसे बनाते कैसे हैं? इसको सब्जी की तरह बनाया जाता है, जैसे कि इसमें लहसुन प्याज अदरक वगैरह वगैरह डाल के इसको बड़े अच्छे से बन सकता है। इसे काटा जाएगा या खींचा जाएगा या कूटा जाएगा? इसके बनाने के दो प्रकार से बनाया जाता है इसको। ये तो इसको खींच के बना लो आप, ये फिर काट के बना लो, और इसमें दो आलू मिला लो तो उससे और भी इसका जो है स्वाद बढ़ जाएगा। और इसके आयुर्वेद फ़ायदे क्या हैं? इसके आयुर्वेद फ़ायदे ये हैं, जैसे कि ये काफ़ी बीमारियों से लड़ता है, जैसे कि आपकी टीबी हो गया, शुगर हो गया, और अन्य बीमारियाँ हैं जैसे कि घुटने का दर्द हो गया, और काफ़ी उन चीज़ों में ये बहुत सक्सेसफुल है और राहत देता है। इसको प्रति माह अगर आप यूज़ करो डेली के तौर पे, अगर माने एक दिन चार दिन छोड़ के, तो ये आपको बहुत फायदा देगा। थैंक यू। और इसकी सब्ज़ी खाई जाती है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। राधे राधे, धन्यवाद। जय श्री राम, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय। जय हिंद।